हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन ऑफिशियली हमारे लिए 31 अगस्त को रक्षाबंधन, क्योंकि हमारे गांव में भी हर जगह 31 तारीख को ही मनाया जा रहा है। सो या हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। एंड मैं सबका नाम लूँ कि नहीं लूँ? नहीं ले सकते, या फिर किसी का भूल जाऊंगा तो सबको बुरा लगेगा, इसलिए मेरे सारे भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए तैयार होने के लिए, क्योंकि आज मेरा कॉलेज भी है और आज कॉलेज में ही किशन मेरे को मिलेगा, तो मैं उसको राखी बांधूंगी। मुझे अपना फर्स्ट लेक्चर छोड़ना पड़ेगा उसे राखी बांधने के लिए, बट कोई नहीं, मैं बांधूंगी। चलो आप जल्दी फटाफट रेडी होगी तब आपसे मिलती हूँ। गाइस, पिछले व्लॉग में मैंने बोला था ना, कृष्ण जी का ये फूल है जो रात को मतलब खिलता है एंड सुबह गिरने लग जाता है पेड़ों से। तो अभी सुबह के टाइम पे देखो, मैंने ये भी रिकॉर्ड किया, ये ऊपर से सारे फूल गिर रहे थे। ये देखो, मैं तैयार हो गई और उसके बाद मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मतलब वैन जल्दी आ जाएगी, तो मैं पहले तैयार हो जाती हूँ उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, और अगर वैन वाले भैया अभी आ जाते ना तो मैं झाड़ू ऐसे छोड़ के भाग जाती। नहीं नहीं ऐसा नहीं करती, मतलब बाहर निकाल देती, फिर बाकी बाद में बाकी रूममेट्स कर लेते। एंड अभी चलो, अब तब मिलूंगा जब वैन में बैठ जाऊंगी तब। गाइज ये देखो, ये है वो राखी जो मैंने एक नहीं दो नहीं कम से कम मैंने 5 उस दिन ली थी, मतलब 30 तारीख को जब मैं गई थी, नहीं 29 को मैं गई थी तब, और उसके बाद मैंने 12 से 13 राखियाँ 6 तारीख को भी ले ली। 6 कह रही हूँ यार, 12 से 13 राखियाँ मैंने 30 तारीख को भी ले ली, क्योंकि मुझे ये राखियाँ बहुत पसंद थी, तो मैंने सबके नाम की एक एक ले ली। अब जाके बजरंग बली को चढ़ा दूंगी और एक राखी किशन के हाथ में बन जाएगी। प्यारे हैं ना ये, इसलिए मैं कह रही थी आप लोगों को कि मेरे को बहुत अच्छी राखी मिल गई है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो देखो देखो। जब मैं 1-2 मिनट लेट होती हूँ ना, वो वैन बहुत जल्दी आ जाती है, और जब मैं परफेक्ट टाइम पे एकदम तैयार होकर मतलब रेडी रहती हूँ ना कि हाँ भाई आज तो मैं वक्त से पहले तैयार हो गई, तो वैन आने में बहुत 20 घंटे लगा देती है यार। और मुझे बहुत नींद नींद सी लग रही है, और ना मुझे ना बहुत दिन से बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, पर मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ तो क्या हो गया, क्या हो गया, बस इतना ही बोल लेंगे तो क्या हो गया, हूँ तो हूँ मोटी। फिलहाल मेरे पास बकवास करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कुछ भी बोल रही हूँ, आई एम सॉरी गाइस। चलो अब तब मिलती हूँ जब कुछ अच्छा बोल रही होगी मैं तब। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे बाद में। ओह कॉल भी आ गया। वैन में आते ही बाल बांध लेती हूँ मैं, ताकि मेरे बाल उड़े नहीं ज़्यादा। और आज ये हुआ है कि वैन में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और अंकल है, क्योंकि रक्षाबंधन है और आज 31 तारीख भी है, तो बहुत लोग चले गए हैं भाई राखी वाखी के लिए, और लोग छुट्टियाँ भी मना रहे हैं, वीकेंड टाइप का मना रहे हैं भाई रक्षाबंधन के टाइम पे, इसलिए अंकल बोल रहे हैं अभी तक तो कोई नहीं। अब देखो मेरे साथ और कौन आता है कॉलेज, वो तो मैं घर नहीं गई इसलिए मैं भी आ गई, वरना मैं भी कहाँ ही आती। सो लॉन्ग, मतलब कम से कम पता नहीं कितने दिन बाद में कॉलेज आई हूँ, क्योंकि इससे पहले तो मेरे इंटरव्यू चल रहे थे। और वेट, यही है वो किशन जिसको मैं राखी बांधने वाली हूँ। अभी हम जा रहे हैं मंदिर, यहाँ पारुल का जो मंदिर है बहुत अच्छा है, नहीं जाएंगे, मस्त बैठेंगे थोड़ी देर, फिर मैं उसको राखी बांधूंगी, फिर मैं उसको यहाँ थोड़ा घुमा फिरा दूंगी, बता दूंगी कौन सी चीज़ कहाँ है। और पहले हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि मैं घर से कुछ खा के नहीं आई, मैं फिर यहीं कर लूँगी। तो चलो चले। शूज उतार के रखो, मैं आ रही हूँ। ये सभी के सभी लोग रक्षाबंधन मनाने के लिए ही मंदिर में आए हैं, और कई लड़कियां इतने अच्छे से तैयार होकर आई थी, मैं देख के बहुत वो हो रही थी कि अरे यार ऐसे जब हम घर पे रहते हैं तो रक्षाबंधन के लिए तैयार होते हैं, बट कोई ना, इस बार मेरा नहीं था ऐसा लग, या मेरी नसीब अच्छी नहीं थी। ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, बाप रे। अभी मैं जाऊँगी राखी लेके,
मैं सारे भगवान के दर्शन करूंगी पहले, उसके बाद मैं हनुमान जी को राखी बांधूंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पारुल में ऐसा होता है कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, सब में इन मंदिरों पे इतनी ही भीड़ होती है। और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड दूसरी बात ये भी कि जितनी भी राखियाँ लोग लेके आ रहे थे ना, तो मैं गई थी बजरंगबली को राखी बांधने के लिए, उससे पहले ही उनके हाथ में बहुत सारी राखियाँ बंधी हुई थी। अच्छा लगा देख के मुझे, बहुत काफ़ी अच्छा लगा, और राखी बांध के उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि यहाँ सिर्फ मैं ही रहूंगी, शांति रहेगी, मैं उसे राखी बांध दूंगी, मस्त व्लॉग शूट करूंगी, बट यहाँ बहुत भीड़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं आए हैं रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, ये भीड़ देख के तो और मज़ा आया मेरे को। और अपनी राखी जो मैं लाई हूँ ना, उसे तो मैं बहुत 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 ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, सो हैप्पी। देखो रक्षाबंधन ने इसलिए पूरी लेन को ना मस्त डेकोरेट कर रखा है। चलो चले अब कैंटीन में इसको थोड़ा खिला विला दूँ। चलो भाई आ जा इधर से। पूरे FMS में, मतलब आज तक मैंने MBA जब से एडमिशन लिया तब से आज तक मुझे कभी ये एरिया इतना खाली नहीं मिला, और ये सिर्फ और सिर्फ रक्षाबंधन की छुट्टी की वजह से। वाओ हम लोग यहाँ टनल पे बैठे हैं क्योंकि अभी किशन की भी 9:30 से क्लास है, इसे 8:30 FMS बुलाया है, और मुझे 8:30 बजे क्लास में जाना, 8:30 से पहले ही जाना है ऑब्वियसली। थोड़ी देर बैठा है क्योंकि अभी टाइम है, खावा लिया अच्छे से, पेट भर गया मेरा तो। नाउ आई एम हैप्पी। कितनी शांति है यार, सब मुझे फिट पे सॉफ्ट हो गए, सही थी, अच्छा ऐसे सुकून सा लग रहा, वरना पूरे टाइम यहाँ पे कच 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 लगी रहती लोगों की। गाइस कहते हैं ना, आप जिस चीज से भागते हो वही चीज आपको ऐसे पकड़ने के लिए आ रही होती है। मीट एक और बलि का बकरा, इसी में मुझे आके बताया कि ध्रुविन सर का पहला ही लेक्चर था, और वो भी अब क्लास मर्ज करके वो लेक्चर ले रहे हैं। अब 8:30 बजे भी पता नहीं हमें क्लास लेने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई चांस नहीं है गाइस। आप लोगों को लगता है ना मैं इतना बोलती हूँ कि ध्रुविन सर ये बता, तू बता सही बता, 1 मिनट भी लेट होता तो क्लास में एंट्री लेते हैं? पर भैया अब किशन चला गया अपने सेमिनार्स के लिए, जो मैं पहले फर्स्ट ईयर में अटेंड करती थी, आपको मैंने वीडियोस में दिखाया होगा व्लॉग में, अब वो बेचारा उसमें जा रहा है फिलहाल, तो अभी हम लोग यहीं बैठे हैं। देखो अभी क्लास में एंट्री मिलेगी या नहीं, शिवाजी से पूछूंगी मैं। ओ यार शिवाजी ने कहीं मेरी ना लगा दी अटेंडेंस शीट, बाय बाय बाय। हम दोनों को इस तीसरे ने भी ज्वाइन कर लिया, अब मौत का जो खेल होगा वो हम तीनों के साथ होगा, और जो होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसने और इसने भी ज्वाइन कर लिया। हम लोग बहुत ऐसे डरे हुए हैं अंदर से, वी डोंट नो हमारे साथ क्या होगा, इसलिए हम छुप रहे हैं एक जगह। देख पता है क्या, एग्जाम दे लो, अरे सॉरी असाइनमेंट लिख दो, असाइनमेंट लिखने के बाद भी जिनके असाइनमेंट में ज्यादा असाइनमेंट जिसने लिखा है उसको ज्यादा मार्क्स, और जिसने एग्जाम लिखा है उसको फेल ही कर दिया समझो। फिलहाल हम लोग बच गए क्योंकि ध्रुविंदर चले गए, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, पर हो भी सकता है। हाँ ज्यादा खुशी मनाएंगे तो क्या पता सर वापस आ जाए और बजाए हमें अच्छे से। मीट शिवाजी, बट सर विल स्लैप यू बिकॉज़ आई एम नॉट इन द क्लास। वेट रखो अपने पास।
गाइस बच गए बच गए बच गए। और कुछ सर? सर आपके कुछ वर्ड्स? गाइस सॉरी, ध्रुव सर के लेक्चर के बाद मैं ब्लॉग करना भूल गई थी। आफ्टर सो क्या बोलते हैं लॉन्ग, इंग्लिश भूल गई। आफ्टर सो लॉन्ग दे आर बैक इन माय ब्लॉग। ऑक्टोपस टीम, ऑक्टोपस स्टिल वेरी। चलो अगेन फॉर सम रिचुअल्स। बस रबा है कितनी देर तक देखा जाए तो रक्षाबंधन आज ही था और मैंने सेलिब्रेट भी कर लिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। कल बहुत दुखी थी, आज बहुत खुश हूँ। और आई डोंट नो ये वीडियो स्मूथली चलेगा या नहीं, बिकॉज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा ऐसे ब्लंडर सा हुआ है, तो व्हाटएवर, आप मैनेज कर लेना, आप कर ही लेते हैं, अच्छे लोग आप लोग। तो चलो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। एंड गया गाइस, इस ब्लॉग के बाद ना मैं एक प्रैंक डालने वाली हूँ, घोस्ट प्रैंक ऑन माय रूममेट, जिसमें रिएक्शन काफ़ी ऑसम ऑसम आए हैं, तो प्लीज़ आप वो ना देखना ज़रूर, ठीक, ज़रूर देखना। पहली बार एक प्रैंक किया, वो सक्सेसफुल हो गया, तो प्लीज़ देखना वो ज़रूर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स। वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हो और अगर आपको ध्यान नहीं, तो मैं याद दिला देती हूँ कि आपने चैनल शायद सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो उसे, ठीक है। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।